Hello everyone, once again welcome to our channel Maxwell Studio. Okay, so अब हमने जो major topics थे जैसे physiography जैसे वाले chapter थे topics थे वो हमने cover कर लिए. हम chapter के half यानी कि 50% of the chapter 50 से नहीं उससे काफी ज्यादा है यानी कि 60-70% हमने complete कर लिया है और अब हम पहुंचते हैं drainage वाले pattern में यानी कि आपका जो chapter था वो थ्री टू फोर पार्ट्स में डिवाइडेड था. जैसे आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा, देन आपने फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील पढ़ा, ठीक है. देन नेक्स्ट टू द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील हमारा आता है ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है. अब ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, वो हम वापस से टू पार्ट्स में डिवाइड है. ये एक तो हम ब्राजील के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में स्टडी करने वाले हैं और दूसरी चीज हम इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, इन डिटेल. सो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले वो होगा कौन सा, ड्रेनेज पैटर्न इन ब्राजील. और ये जो ब्राजील के ड्रेनेज पैटर्न है इनको समझने से पहले ड्रेनेज को समझो कि ड्रेनेज होता क्या है, ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है. ओके, सो देखते हैं कि ड्रेनेज एक नया कंसेप्ट जो कि क्या होता है, ड्रेनेज एक पैटर्न, ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फेमिलराइज होंगे इस वर्ड से, ऑलरेडी आप लोगों ने ड्रेनेज के बारे में इससे पहले भी सुना होगा, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या है. ड्रेनेज इज अ टर्म सिग्निफाइंग द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. ठीक है, ध्यान दो कि क्या बोला है कि ड्रेनेज एक ऐसा टर्म है जो एक पर्टिकुलर रीजन के, एक पर्टिकुलर लोकेशन के रिवर सिस्टम के बारे में बताता है. ठीक है, वो बताता है कि एक पर्टिकुलर जगह का रिवर सिस्टम क्या है. ठीक है, जो वॉटर है वो वॉटर कैसे यानी कि कहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और वाटर जो है वही वाटर का जर्नी कहां पर जाकर एंड हो रहा है और वो ड्रेनेज यानी कि अगर आप वाटर को देखते हो, ठीक है. सो वाटर का जो ओरिजिनेशन से वाटर का ओशन में या सी से जाकर मिलना, ठीक है, एक एक बहुत लंबा जर्नी होता है जहां पर वाटर क्या करता है, ओरिजिनेट होने के बाद वो फ्लो होता है, बट अपने आप को नंबर ऑफ चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाता है, इरोजन एंड डिपोजिशन करता है और एट द एंड एक ऐसे पॉइंट पर जाकर मिलता है जहां वो ओशन और सी से जाकर घुल मिल जाता है. यानी कि क्या हो रहा है, वाटर ड्रेन हो रहा है. ठीक है, सो यही बता रहा है, ड्रेनेज इज अ टर्म, एक ऐसा टर्म है जो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट बता रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम. ठीक है, आप देख सकते हो कि बाजू में, ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो, बहुत सारे आपको पैटर्न्स दिखाए गए हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म है जहां आप देख सकते हो कि ये एक डेंटिक रेक्टेंगुलर रेडायल एंड ट्रेलिस, ठीक है, दिस ऑल आर द पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज. ठीक है, ये सीबीएसई की बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से दिखाया है कि उनको चैप्टर में ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेप्थ में दिया है, ठीक है, जो कि आप लोग की बुक में नहीं है. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ये पैटर्न में यानी कि जो डेंट्रिक है, ठीक है, डेंट्रिक वाला आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर आप देख सकते हो, ठीक है, रेडायल कैसे रेडायल डायरेक्शन में वाटर एक पर्टिकुलर ओरिजिनेशन से निकल रहा है और कैसे ड्रेन हो रहा है, ओशन से जाके मिल रहा है. डेंट्रिक इसलिए नाम डाला गया है बिकॉज वो एक ड्रेन के पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, उसकी तरह दिख रहा है. रेक्टेंगुलर वे में कैसे देखो वाटर ड्रेन कर रहा है, ठीक है, वाटर फ्लोट कर रहा है. ट्रेनीज में भी आप देख सकते हो कि वाटर कैसे एक्यूमुलेट होकर वाटर फ्लो हो रहा है. सो ये एक अलग अलग पैटर्न है यानी कि रिवर का फ्लो होने का भी एक अपना ही एक अलग पैटर्न है. सो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज. ठीक है, सो वही है. और ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक सिंगल रिवर. ठीक है, अगर गंगा की मैं बात करता हूं तो रिवर गंगा जब फ्लो हो रही है सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर वो भी क्या होगी, ड्रेन होगी. सो अगर उस पर्टिकुलर रिवर गंगा के बारे में मैं स्टडी करता हूं, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं स्टडी कर रहा हूं सो क्या है वो, ड्रेनेज पैटर्न. ठीक है, और किसका, गंगा का, रिवर गंगा का. देन एज फार एज द ड्रेनेज इन ब्राजील कंसर्न देर आर थ्री मेजर रिवर्स इन ब्राजील. ठीक है, अब यही अगर मैं रिवर ड्रेनेज की बात करता हूं सो हम ये जो ड्रेनेज पैटर्न ब्राजील है इसमें हम तीन रिवर के ड्रेनेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं. पूरे ब्राजील में हमारा थ्री वाटर,
वाटर बॉडी यानी कि जो रिवर है वो मोस्टली कन्फाइंड थ्री इन रिवर्स के ऊपर है। ठीक है, ये जो तीन मेजर रिवर है इनके हम ड्रेनेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्राजील में जितने भी रिवर फ्लोट हो रहे हैं और जितने भी रिवर फ्लो होकर ड्रेन हो रहे हैं वो ये तीन रिवर है, रिवर अमेजॉन, रिवर पैराग्वे एंड पैराना एंड रिवर साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, ये तीन रिवर के बारे में हम स्टडी करेंगे और तीनों के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हम वन बाय वन करके स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले ठीक है आ जाते हैं हमारा अमेजॉन बेसिन के ऊपर। ठीक है, कि अमेजॉन जो है वो अमेजॉन अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से करता है, ठीक है, और अमेजॉन अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद वो कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करके ड्रेन करता है। ओके, सो अमेजॉन कलेक्ट इट्स हेड वाटर फ्रॉम ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंड्स माउंटेन, ठीक है, इन पेरू। ठीक है, एक पेरू एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर एंड्स माउंटेन है। ठीक है, इन एंड्स माउंटेन से अमेजॉन क्या करता है, हेड वाटर कलेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज हेड वाटर, हेड वाटर यानी कि ओरिजिनेशन। ठीक है, यानी रिवर अमेजॉन का जो ओरिजिनेशन है वो एंड माउंटेन से, एंड्स माउंटेन से है पेरू में। Then, Amazon River receive huge discharge, यानी कि सबसे ज्यादा ब्राजीलियन रिवर के ड्रेनेज में सबसे ज्यादा जो ड्रेन करता है और जो डिस्चार्ज यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है, ट्रिब्यूटरीज अपने आप को नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड करता है, वो रिवर कौन सा है, Amazon है। ठीक है, काफी ज्यादा डिवीजन इनके होते हैं। Then, it washes off the loads due to high flow of river. यानी क्या कर रहा है, यहां पर बताया आपको erosion process हो रहा है because of the high velocity. ठीक है, water क्या करता है कि जितने भी sand particles आते हैं, rock particles आते हैं, उनको क्या करेगा, erode करेगा, उनके उनको लेकर travel करेगा अपने साथ। ठीक है, there is absence of distributaries at the mouth of the river basin. अब ये चीजें सबसे ज्यादा ध्यान दो, इसी के ऊपर might be आप लोगों के questions भी बन सकते हैं। ठीक है, कि ऐसे क्यों, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी, सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में कंसेप्ट क्लियर करो अपना, व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो, ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करता हूं मैं, सो व्हाट इज ट्रिब्यूटरी, कि एक मल्टीपल ऑफ रिवर साथ में आकर मर्ज होकर एक रिवर बनते हैं तो क्या हो रहा है, ट्रिब्यूटरीज। यानी कि यहां पर वो क्या रहा है कि रिवर मर्ज हो रहा है। Whereas, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करता हूं, सो एक पर्टिकुलर रिवर अपने आप को नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड कर रहा है, अपने आप को तोड़ रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, समझ रहा है। सो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो अमेजॉन रिवर है ये बहुत सारे, इनके चैनल्स बहुत सारे होते हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज बहुत बनते हैं, बट और इनके डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बनते हैं, बट होता क्या है कि जब माउथ ऑफ द रिवर यानी कि जहां पर ड्रेनेज के वक्त पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर ड्रेनेज के जगह पर आ जाता है, वहां क्या होता है कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, ये ज्यादा मोस्टली ये ड्रेन हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज सीरीज ऑफ आइलैंड फाउंड एट द माउथ ऑफ रिवर बेसिन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज वहां नहीं है, इंस्टेड ऑफ ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज आप क्या देखोगे, आप रिवर बेसिन्स देखोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अमेजॉन रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी आप लोग यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज देख रहे हो, जितने भी लाइंस आपको दिख रहे हैं येलो पे, जो ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो नंबर ऑफ चैनल्स है, किसका, अमेजॉन रिवर का। ठीक है, और जो ब्लू कलर, जो पर्पल कलर का जो लाइन है जो हाईलाइट किया गया है, वहां पर आप देख सकते हो कि जो ये जब ओशन से या सी से जाकर मिल रहा है तो इनके डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज वहां पर क्या है, वहां पर पीक्स है। ठीक है, माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, सॉरी आइलैंड्स है, नॉट माउंटेन्स एंड नॉट इवन पीक। ठीक है, क्या है वहां पर, आइलैंड्स है। सो ये था हमारा अमेजॉन रिवर का सिस्टम। ठीक है, हमारा अमेजॉन बेसिन जो है उनका ड्रेनेज पैटर्न देख सकते हो आप कैसा है। ठीक है, ये हमें कुछ मेरे ख्याल से, मुझे मेरे हिसाब से ये डेंट्रिक ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है, कौन सा पैटर्न है, डेंट्रिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, जो अगेन आपके बुक में नहीं दिया है। देन नेक्स्ट टू द ड्रेनेज पैटर्न, हमारा अमेजॉन के बाद जो हमारा नेक्स्ट रिवर इंपॉर्टेंट आता है वो है पैराग्वे एंड पैराना सिस्टम। देखो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकता हूं आपको, ये इमेज के थ्रू बता सकता हूं कि कैसे, देखो रिवर अपने आप को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। यहां पर रिवर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और अगर इसको आप उल्टा भी देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पर एक दो रिवर आकर मर्ज होते हुए भी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज बना रहे हैं। ठीक है, देन पॉइंट पढ़ते हैं पैराग्वे एंड पैराना
का ड्रेनेज पैटर्न. दिस टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील. ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, सदर्न पार्ट में, जैसे कि मैंने आपको कहा रिवर ओरिजिनेशन ब्राजील में कहां से हो रहा है, सदर्न पार्ट से हो रहा है. देन पैराग्वे एंड पैराना रिवर बोथ मीट रिवर प्लाता इन अर्जेंटीना. ठीक है, अब ये जो रिवर्स हैं, रिवर पैराग्वे एंड रिवर पैराना है, ये दो रिवर जाकर मर्ज हो रहे हैं किसके साथ, रिवर प्लाता के साथ. यानी कि रिवर प्लाता के लिए जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन है, रिवर पैराग्वे एंड रिवर पैराना. ठीक है, ये दोनों क्या है, उनके लिए ट्रिब्यूटरीज है. ओके, देन बोथ रिवर्स एंड यूरुग्वे रिवर्स कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो दोनों रिवर है, ठीक है, और रिवर यूरुग्वे, ठीक है, ये जो तीन रिवर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, थ्री मेजर रिवर, सॉरी फोर भी है, अमेजॉन भी है, नेक्स्ट टू द अमेजॉन ये रिवर पैराग्वे, पैराना एंड यूरुग्वे है. ठीक है, और ये क्या करते हैं, हेड वाटर जो कलेक्ट करते हैं वो हाईलैंड से कलेक्ट करते हैं सदर्न पोर्शन से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको घुमा फिरा के वही चीजें बोली है कि सदर्न पार्ट से क्या हो रहा है, वाटर ओरिजिनेट हो रहा है. जैसे हमारे इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट से ओरिजिनेट होता है, हमारे ब्राजील में सदर्न पार्ट से होता है. ठीक है, तो ये एक ड्रेनेज पैटर्न बता रहा है कि कैसे सदर्न पार्ट से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड देन ये फ्लो हो रहे हैं वापस से. अगेन ये ड्रेनेज पैटर्न बता रहा है. अमेजॉन में भी हमने ड्रेनेज पैटर्न देखा कि कैसे ये ज्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं, कहां पर स्कैटर नहीं हो रहे हैं, कहां पर ट्रिब्यूटरीज बना रहे हैं, कहां पर ट्रिब्यूटरीज नहीं बना रहे हैं. ठीक है, और हमारा जो लास्ट है, हमारे रिवर जिनका ड्रेनेज पैटर्न हम पढ़ेंगे वो है साउथ फ्रांसिस्को. ओके, इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द ब्राजील. ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट ब्राजील का. इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड. आप देख सकते हो इमेज में, यू कैन सी जो ईस्टर्न पार्ट है वो मोस्टली ये रिवर ईस्टर्न पार्ट से ही फ्लो हो रहा है और ईस्टर्न पार्ट में ही ड्रेन कर रहा है. यानी कि ईस्टर्न पार्ट में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहीं पर फ्लो होता है ये. तो ये ऑक्यूपाई जो पोर्शन कर रहा है वो ईस्टर्न पार्ट कर रहा है हाईलैंड का, साउथ ईस्टर्न, सदर्न ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, द रिवर फ्लो टू द नॉर्थ फॉर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर. साउथ से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ में फ्लो हो रहा है, इनका फ्लो और मूवमेंट हो रहा है 1000 किलोमीटर तक. ठीक है, ओवर द प्लेट्यूज एंड स्लाइटली टर्न टूवर्ड द ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ अलोंग द अटलांटिक ओशन. और क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जैसे ही आप देख सकते हो यहां पर कि ये जब नदन पार्ट में जा रहा है, फ्लो हो रहा है, सो धीरे धीरे वो टर्न हो रहा है टूवर्ड्स द अटलांटिक ओशन. ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. ठीक है, सो ये यहां पर आपने साउथ फ्रांसिस्को का ड्रेनेज पैटर्न देखा कि कैसे ये ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं और ये ड्रेन कैसे हो रहे हैं, कैसे स्लाइटली टर्न होकर ड्रेन हो रहा है. सो ये था हमारा तीन, हमारे जो इंपॉर्टेंट जो आपने हमारे इंपॉर्टेंट जो देखे ब्राजील के ड्रेनेज पैटर्न की, तीन इंपॉर्टेंट रिवर देखे आपने. ठीक है, अमेजॉन रिवर के बारे में पढ़ा हमने, पैराग्वे एंड पैराना रिवर के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ा और साउथ फ्रांसिस्को के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, सो अब हम हमारे अपकमिंग नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो होगा हमारा ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया. ठीक है, अब हमने जैसे ड्रेनेज पैटर्न हमारे ब्राजील में देखा कि ये थ्री मेन इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट रिवर कौन से हैं, अमेजॉन है, पैराग्वे एंड पैराना है और साउथ फ्रांसिस्को है. ये जैसे रिवर फ्लो हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, वैसे ही हमारे इंडियन के भी ड्रेनेज पैटर्न सेम है. इंडियन ड्रेनेज पैटर्न को अगर हम देखेंगे, सो गंगा है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो ड्रेनेज पैटर्न से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है अबाउट द ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज याद रखना कि ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, एक पर्टिकुलर रिवर का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन से है. ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती है क्वेश्चन. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन रिवर के ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नेक्स्ट अपकमिंग हमारे लेक्चर में वी विल कंटिन्यू दिस ड्रेनेज पैटर्न. ठीक है, जहां हम इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा इस चैप्टर के लिए, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, सो तब तक के लिए आप, जब तक मैं इंडियन ड्रेनेज पैटर्न पे जो वीडियोस भेज रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तब तक आपको करना क्या है कि इनके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करना है. ठीक है, नोट्स बनाइए. ठीक है, आपके पास काफी समय है, बहुत अच्छा नोट्स बनाइए, इसे लर्न कीजिए. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.